हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एड्रेस एग्जाम यानी कि टी पर। दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए 30 जून से 5 जुलाई तक लगातार सारी की सारी आपको फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर यानी कि मैराथन क्लासेस हम आपको करा रहे हैं। सुबह आपका 10 बजे मैराथन क्लास होती है रीजनिंग की, दोपहर आपका 12 बजे होती है हिंदी की मैराथन, ठीक है। उसके बाद दोपहर 2 बजे आपका विज्ञान की होती है, और आपको शाम को 3 बजे कला वर्ग स्पेशल आपकी मैराथन क्लास चल रही है, और शाम को 5:30 बजे सामान्य ज्ञान, और इसी के साथ रात 8 बजे आपका गणित की मैराथन क्लास चल रही है। सारी की सारी आप मैराथन क्लास लेते रहिए। आप सोच रहे होंगे इस टाइम कौन सी क्लास चलने वाली है, तो ये आपका सरप्राइज टेस्ट है, हम कह सकते हैं एडिशनल आपके लिए, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट आप कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एडिशनल, या कुछ स्पेशल आपके क्वेश्चन है, तो हमारा लास्ट में ही यही उद्देश्य है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कराए जाएं। तो अभी हम हिंदी के आपके 50 क्वेश्चन करेंगे, आपके प्रीवियस क्वेश्चन से भी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी हम आप लोगों के लिए बीच बीच में टाइम टाइम पर लाते रहेंगे। बाकी दोपहर 12 बजे हिंदी का होती है मैराथन क्लास, उसको भी आपको डेली देखना है, और ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं आपके लिए एडिशनल बोनस है, तो उनको भी आप लोग करते रहिए। देखते हैं 50 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक जाते हैं। बाद में जरूर कमेंट कर जरिए बताइए कितने आपके क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। और लगातार कमेंट बॉक्स रहिए, आप लोग आंसर भी लगातार करते रहिए, सभी जो है आपके साथ, आपके कमेंट बॉक्स में हम लोग आपके साथ हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अभिसरण। अभिसरण आपका बताना है, आपको विलोम शब्द बताने क्वेश्चन नंबर 51 और 52 में। तो आपको बताना है अभिसरण का आपका क्या विलोम शब्द हो जाएगा, शायास, अपसरण, प्रसारण, या फिर आपका प्रत्यारक्षर, ठीक है। 51 की यहाँ पर बात हो रही है, आपको बताना है इसका आपका क्या जो है सही जो है आपका इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो 51 का कौन सा हो जाएगा आपको, फटाफट से क्विक रिवीजन है आपका, एडिशनल बोनस है, तो फटाफट से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। बाकी जितनी मैराथन क्लास हो रही है, 12 बजे आपका हिंदी की वाली मैराथन क्लास होती है, वरुण सर कराते हैं, उसको भी आप जरूर जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए 51 अभिसरण का विलोम आपका क्या हो जाएगा, अपसरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 51 का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, सुषुप्त का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ, जागृत, मृत, या फिर आपका कृतघ्न, ठीक है। चलिए सुषुप्त का विलोम आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए इसकी आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आपका सी हो जाएगा, जागृत, ठीक है। यहाँ पर आपका बी सी हो जाएगा, 52 का आपका जागृत जो इसका विलोम शब्द होता है। और अगर विलोम शब्द की बात करें तो विलोम का आपका जो है आपका श्रेष्ठ का हो जाता है अधम, श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा आपका अधम हो जाएगा इसका विलोम शब्द, ठीक है। और आपका मृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा भैया, क्या होता है, जीवित हो जाएगा आपका, ठीक है, जीवित आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक और बचा, इसको भी देख लेते हैं, तो कृतज्ञ का आपका जो है विलोम होता है कृतज्ञ, क्या होता है, कृतज्ञ आपका होता है, इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका कृतज्ञ यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 52 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सॉरी बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, जागृत, ठीक है, 52 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, आपको बताना 53 और 54 में आपको सही वाक्य चुनना है। 53 आपका पहला वाक्य, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, बी है आपका आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, या फिर आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, या फिर आपका पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा, ठीक है। चलिएगा, और भैया कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, कमेंट के जरिए सभी साथी जो है लगातार आंसर करते रहेंगे, और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। एडिशनल बोनस आपका चल रहा है, कुछ आपके लिए एडिशनल हम क्वेश्चन करा रहे हैं। बाकी 6 मैराथन आपको मिली है, सभी के सभी मैराथन आपको लगातार 5 जुलाई तक बिल्कुल फ्री हैं, सभी मैराथन आपको लगाने हैं, ठीक है। चलिए 53 यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो आपका सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। 54 इसमें आपको बताना कौन सा आपका वाक्य बिल्कुल ठीक होगा, आपकी शंकाओं का निकारण होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, या फिर आपका आपकी संख्याओं को वरदान, शंकाओं का जो है वरदान हो जाना चाहिए, ठीक है। 54 बताएंगे इसमें भैया कौन सा, इतनी सारी आपकी डेली मैराथन क्लास हो रही है, ठीक है, डेली आपकी मैराथन क्लास हो रही है, सारी की सारी मैराथन क्लासेज आपको जो है लेनी है। 54 आप बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा, तो बी इसका सी हो जाएगा, आपकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए। चलिए 55 और 56 में आपको बताना है किन वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपका क्या होगा, दिशाएं जिनके ही जिनके वस्त्र हैं, ठीक है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, यानी कि विशंभर, दिक्पाल, पैगंबर, या फिर दिगंबर, ठीक है। चलिए दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको हम क्या कहते हैं एक शब्द में, तो यहाँ पर 55 का आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिगंबर, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर 56 आप देखेंगे युद्ध की इच्छा रखने वाला, देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने आपको इतने सारे मॉक टेस्ट कराए हैं, मैराथन क्लास चली उनमें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। ये वाली क्लास आपकी जो है एडिशनल क्लास है, या फिर हम कह सकते हैं क्विक रिवीजन और प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं, तो आप सभी क्वेश्चन का फटाफट से जो है आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में, और लगातार शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो 55 का आपका डी हो गया, 56 का आप बताएंगे इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो सी आंसर हो जाएगा, इसके जो युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, कहते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 56 का आपका सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 57 के, भैया आमलक का तद्भव क्या होगा, आमलक का तद्भव क्या होगा आपको बताना, ठीक है, आमलक का तद्भव क्या होगा, तत्सम, तद्भव, ये आपको सभी अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं लगातार, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा, भैया
ठीक है, तो इसमें आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। आमलक का था तो भैया आंवला होता है। क्या होता है? आंवला होता है। अगर अन्य शब्दों की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है आदर्श का लिखा गया, इसका आपका जो तद्भव शब्द होता है वह आपका आरसी होता है। क्या होता है? आरसी होता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। आम्र का आपको पता ही है, आम होता है। क्या होता है? आम होता है। आपाक का आपका जो है आंवा होता है। क्या? आंवा होता है। तो आपको इनको भी आप लोग जो है याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर भैया 58 है, तिनका तिनका का तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, सभी लोग सोच कर बताइएगा अच्छे से कमेंट करके। ठीक है, चलिए कमेंट लगातार करते रहिए। ठीक, कमेंट लगातार करते रहिए, हम लोग कमेंट बॉक्स में आपके साथ हैं। 58 का बताएंगे, बाकी सारी मैराथन आपकी क्लास जो है लाइव चल रही है, सारी की सारी मैराथन क्लास आपको लेनी है और चैनल को जो है तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, कि यहाँ पर आपको जो भी आपका रिजल्ट होगा काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। ठीक है, बारीकी से आपको बताया जाएगा, हम आपके पूरे बीट के सपने आपके साथ हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी आप ध्यान से कर लीजिएगा। 58 आप बताएंगे इसमें आपका क्या, तिनका का तत्सम जो शब्द होता है आपका तृण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृण हो जाएगा। 58 का आंसर नंबर आपका जो है ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें तो तिक्त आपका किसका होता है? तीता का तत्सम रूप होता है किसका? ठीक है, तो इनको भी हम देख रहे हैं, तो 58 का आंसर नंबर आपका इसमें ए बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। तिनका शब्द का आपका जो तृण हो जाएगा। अन्य शब्दों की बात करें तो आपका जो है तिक्त भैया तीता का आपका जो है होता है किसका? तत्सम रूप होता है। ठीक है, ताम्र किसका होता है बताइएगा? तामा का हो जाएगा। किसका? तामा का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। त्वरित की बात करें तो आपका जो है तुरंत का होता है किसका? तुरंत का होता है भैया किसका? तुरंत का होता है। ठीक है, चलिए तो आपको ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए बात करेंगे 59 के, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कई बार आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसमें से पूछेगा कि भैया बताइएगा। ठीक है, कौन सा बताएगा? अभी आप पहले बताएंगे, तभी हम उसके बाद बताते हैं। ठीक है, चलिए 59 का क्या हो जाएगा? उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई सेंटेंस दे देगा कि राम बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें आपको बताना होगा कि इसमें आपका प्रविशेषण कौन सा होगा। तो प्रविशेषण होता है आपका, जैसे मान लीजिए राम लिखा है, राम बहुत तेज दौड़ता है, तो आपका जो तेज तेज इसकी विशेषता हो गई है। ठीक है, और कितनी तेज दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है, ये इसका जो है प्रविशेषण कहलाता है। यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर भैया 60 है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? संख्यावाचक, परमाणुवाचक, परिणामवाचक, ठीक है, या फिर भैया गुणवाचक? क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोग आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा कोई परिश्रमी है या नहीं है? ठीक है, ये उसका क्या है? एक गुण है। तो यहाँ पर आपका 60 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और बाद में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लाइक वीडियो कर दें, लगातार शेयर भी आप लोग करते रहिएगा, सभी फ्रेंड्स साथ शेयर करते रहिएगा। आपका क्विक रिविजन चल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं एक एडिशनल क्लास चल रही है। 61 का आप बताएंगे मंदिर का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, देवगृह, परमधाम, निर्वाण, या फिर आपका परमपद। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। 61 का आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा भैया, देवगृह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? फटाफट से आंसर देंगे, फटाफट से आंसर देंगे। मकरंद, सहचर, रसिका, या फिर आपका लिप्सा। तो इसका आंसर नंबर 62 का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, लिप्सा। ठीक है, और भी इसके कई सारे हैं पर्यायवाची, लालसा हो गया है। ठीक है, लालसा, अभिलाषा, लालच, ये सारे के सारे आपके तृष्णा के ही पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? इसमें आपको बताना है राजपुत्र में आपका कौन सा समास है? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। तो इसमें आपका कौन सा समास है बताइएगा? 63 में आपका कौन सा समास है? आपका सी हो जाएगा, तत्पुरुष। ठीक है, बाकी बहुत ही एक्सपेंसिव के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उन सारी मैराथन क्लास को लेते रहिएगा। एक क्लास आपकी स्पेशल रिवीजन के तौर पे है, तो आप इसको भी लगातार लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए 64 में आप लोग बताएंगे सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ठीक है, सच्चिदानंद शब्द का आपका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी आप लोग बताइएगा फटाफट से। ठीक है, तो संधि विच्छेद से भी आपका एक क्वेश्चन पूछाएगा, इसको भी आप लोग स्पेशली रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए भैया 64 का आप लोग बताएंगे। ठीक है, 64 का तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सत प्लस चित्त प्लस आपका आनंद। ठीक है, और ये किसका उदाहरण? एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी आपको इसको ध्यान रख लेना है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, और इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ 65 की तरफ, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ठीक है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ठीक है, अद्भुत, भयानक, विवश, या फिर आपका रौद्र। ठीक है, चलिए बताएंगे 65 में आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है? ऑप्शन नंबर आपका सी सी हो जाएगा, विवश का। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, सूरज को दीपक दिखाना किसका सही अर्थ है? ठीक है, सूरज को दीपक दिखाने का क्या अर्थ हो जाएगा? रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति के तुक्ष प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, या फिर भैया सम्मान बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 66 का सभी लोग आंसर करेंगे, सूरज को दीपक दिखाना इसका क्या सही अर्थ हो जाएगा? तो 66 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, किसी व्यक्ति की तुक्ष प्रशंसा करना। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। भैया निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, उड़िया, बांग्ला, असमिया या फिर कन्नड़? आपको बताना क्वेश्चन नंबर 67 की कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, क्वेश्चन नंबर 67 का सभी को आंसर करना है, ठीक है। चलिए बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा, 67 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा इसमें जो आपका उड़िया है, बांग्ला है और आपका असमिया है, ठीक है। उड़िया, बांग्ला और आपका असमिया, ये तीनों ही आपकी जो भाषा है आपका यूरोपीय परिवार से संबंधित है। किससे? यूरोपीय भाषा से हम कह सकते हैं संबंधित है। और आपको जो कन्नड़ है भैया आपके द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो यहाँ पर आपका 67 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 68 और 69, ठीक है। तो 67 का आपका डी हो गया था, इसके आगे बढ़ते हैं भाई। 68 और 69 में आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का विकल्प चयन करना है, किस प्रकार से भौगोलिक लिखा जाता है आपको पता ही होगा। तो 68 और 69 का दोनों का फटाफट से आप लोग आंसर करिएगा, बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर फटाफट से इसका आंसर करेंगे, ठीक है। और हिंदी आपको पता है, हिंदी में आपको कितने सही करने हैं, 45 प्लस आपको क्वेश्चन ठीक करने हैं। इसीलिए हम आपको हिंदी की कुछ एडिशनल क्लास भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि ये चल ही रही है, और जो मैराथन क्लास चल रही है उनको बिल्कुल भी ना छोड़ें, लगातार सारी की सारी मैराथन क्लास आपको लेनी है, ठीक है। तो 68 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा आपको भौगोलिक वाला, और 69 का भी आपका कौन सा, सी हो जाएगा प्रफुल्लित वाला, ये दोनों आपको शुद्ध वर्तनी वाले जो हैं विकल्प हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। भैया स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या जगाता है, विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम या फिर भैया आत्मबल? आपको बताना है इसमें कौन सा आपका आंसर नंबर ठीक हो जाएगा, ए, बी, सी, डी, ठीक है। और शेयर करते रहिए, फटाफट से शेयर करते रहेंगे, और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। यहाँ पर आपका आत्मविश्वास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाना से क्या तात्पर्य है, दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना या फिर भैया कठोर परिश्रम करना? क्वेश्चन नंबर 71 का आप लोग बताएं क्या सही आंसर हो जाएगा, बीड़ा उठाना, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए सी हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना, ठीक है। कमेंट लगातार करते रहिए, चाहे गलत करें चाहे सही, कमेंट जरूर करते रहे ताकि आपको पता लगे कि कौन सा आंसर आपका सही है, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 और क्लास के लास्ट में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने टोटली ठीक किए। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। तो इसमें पूछा है कि भैया गढ़ जीत लिया, इसका अर्थ क्या होगा? गढ़ जीतने का क्या अर्थ होता है, युद्ध जीत करना, ठीक है, युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना या फिर आपका कठिन कार्य पूरा होना, ठीक है। चलिए 72 आप बताएंगे, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं इसलिए हो सकता थोड़ी सी आवाज़ आपको सुनने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है। चलिए चलिए तो आप 72 बताएंगे, इसमें आपका क्या हो जाएगा, 72 में आपका डी हो जाएगा, कठिन कार्य पूर्ण होना, ठीक है। कठिन कार्य पूर्ण होना, आपकी सुबह रीजनिंग की भी मैराथन क्लास चली, सारी की सारी मैराथन क्लास चल रही है, तो ठीक है। चलिए 72 का आपका क्या हो जाएगा, डी इसमें हो जाएगा, इसलिए हो सकता थोड़ी सी आपको जो है वॉइस में कुछ अंतर लग रहा होगा, ठीक है। तो 72 में डी हो जाएगा, कठिन कार्य पूरा होना। तो आप लोग हमारा प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। हम आप लोगों के लिए इतनी लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत को सफल बनाना आपके हाथों में है, ठीक है। तो लगातार हमारी मेहनत को सफल बनाइए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ध्यान से, और हमारी मेहनत को सफल बनाइएगा, अच्छे से पढ़कर, खूब मेहनत कर, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक लाकर, ठीक है। चलिए बात करेंगे 72 का आपका हो गया, 72 का कौन सा ऑप्शन था, डी था, ठीक, कठिन कार्य पूरा होना। बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, ठीक है। चलिए वहाँ अड़ा, नाना और माँ कौन से व्यंजन है, कौन से व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन या फिर भैया अनुनासिक व्यंजन? 73, तो इनको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 73 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? बाकी हिंदी की मैराथन क्लास होती है रोज 12 बजे दोपहर, उसको लेना बिल्कुल भी ना भूलें अपने इसी चैनल पर, ठीक है। चलिए तो 74 का आपका क्या आंसर हो जाएगा बताइए, 74 का आपका सी आंसर हो जाएगा, समुच्चय बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक इसमें कौन सा अव्यय है आपका, समुच्चय बोधक है, यानी कि भय आया और मैं चला गया, एक दूसरे से आपके दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। तो आपका 74 का ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते 75 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, कौन सा शब्द आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, बारी बारी, भीतर, आज, यथा संभव, कौन सा शब्द आपका कालवाचक क्रिया से संबंधित आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए तो जिन शब्दों से क्या क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। 75 का आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, आज है, कल, परसों, क्या इनमें कालवाचक क्रिया विशेषण होती है, यानी कि समय का पता लगता है। तो 75 का आंसर नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कुछ नहीं है, कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें। ठीक है, मेरे ऊपर कृपा करें भैया, कृपा करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। ठीक है, बहुत भारी क्या होता है, वहाँ पर भारी भीड़ थी। तो 76 का आपको बताना है कौन सा एक वाक्य आपका अशुद्ध है, तो 76 का आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 76 का आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, मेरे ऊपर कृपा करें, आपका ये अशुद्ध वाक्य कौन सा, 76। ठीक है, इसके स्थान पर क्या होगा, मुझ पर कृपा करें, क्या होगा, मुझ पर कृपा करें, मेरे ऊपर क्या होता भैया, मेरे ऊपर क्या होता, मुझ पर कृपा करें। ठीक है, मुझ पर कृपा करें। ठीक है, तो यह वाला आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 76 का आंसर नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 77 की तरफ, निम्न में से मिस्र वाक्य पहचानिए, मिस्र मिस्र मिस्र, ठीक है, मिश्रा जी नहीं है, मिस्र है। ठीक है, 77 कौन सा वाक्य आपका मिस्र वाक्य है? ठीक है, चलिए, तो भैया कौन सा है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, वह अवश्य आपका सफल होगा, ये आपका मिस्र वाक्य हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका 77 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखते ही कहें, देखते ही बिल्कुल। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका उपसर्ग रहित शब्द है? तो आपको पता है प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही आपने आपको पढ़ा है, उपसर्ग आपका शुरू में लगाया जाता है और प्रत्यय आपका जो है शब्द के बाद में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए, इसमें बताएंगे कौन सा आपका उपसर्ग जो है आपका रहित शब्द है, इसमें आप बताएंगे कि आपका सही आंसर हो जाएगा 78 का। ठीक है, 78 का आपको बताना है इसमें क्या आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सुरेश आपका जो है उपसर्ग से उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, इसमें क्या इसमें किस प्रकार से हम लिखते हैं आपको उसमें बताना है। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या 78 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, 78 का, सॉरी इसमें तो लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें तो लिखा हुआ क्या 78 का आपको आंसर बताना है, क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78, चलिए चलिए, तो इसमें आपका कौन सा होगा, सुरेश सही होगा। सुरेश क्यों सही होगा, क्योंकि आपको पता है संयोग में आपका कौन सा सन हो जाएगा, कौन सा सन भैया हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद विदेश में बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में भी मैंने आपसे कहा उपसर्ग पहले लगता है और भैया जो आपका प्रत्यय होता है आपका शब्द के बाद में लगता है, अत्यधिक में आपका अति हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी में आपका जो है ये आपके उपसर्ग हो जाएंगे, बाकी सुरेश आपका जो है उपसर्ग रहित शब्द है, तो आपका 78 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते 79 की तरफ, गर्भ शून्य शब्द में समास है, गर्भ शून्य इस शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। सारे समास उमास आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाने हैं। ठीक है, समास हैं, प्रत्यय हैं, ठीक है, संधि विच्छेद हैं, संधि हैं, वर्णमाला हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछेंगे आपको। इतनी सारी मैराथन क्लास कराई जा रही है दोपहर 12 बजे, तो आप 12 बजे हिंदी की मैराथन क्लास लीजिएगा, उनमें आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्विक रिविजन क्लास है, तो इसी तरीके से इसको हम लेते हैं। तो गर्भ शून्य में आपको कौन सा बताएगा, करण तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 79 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, शब्द भाग दिखाने का अर्थ क्या है? तो आपने कई बार सुन लिया होगा और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, शब्द भाग दिखाना क्या अर्थ होता है, प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, फिर आपका होश उड़ जाना। 80 का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 80 का आप लोग आंसर बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भैया इसका क्या आंसर होगा, लालच देकर बहकाना, यानी कि शब्द भाग दिखाने का सही अर्थ आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 बताएंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा आपका संधि विच्छेद सही है, कौन सा आपका संधि विच्छेद सही है, अधि 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 प्लस कांस, ठीक है, या फिर अनु प्लस दित, इसमें आप बताएंगे कौन सा संधि विच्छेद आपका ठीक है, प्राणा प्लस एम, या फिर आपका त्रिपुर प्लस है। अरे 81 का आप बताएंगे इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, 81 का भैया बताइए। ठीक है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, त्रिपुर प्लस अरे, यानी कि त्रिपुरारी, क्या होता है भैया इसका, आपका त्रिपुरारी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरारी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका अधिकांश यहाँ पर गलत लिखा गया, अधिकांश को किस तरफ से होता, पहले आपका अधिक होगा, पहले आपका क्या होगा भैया, अधिक होगा। ठीक है, पहले आपका अधिक होगा और फिर लास्ट में आपका अंश होगा, तो आपका हो जाएगा अधिकांश। ठीक है, अधिकांश, तो इस प्रकार से इसका सही हो जाएगा। और आपका दूसरा किसका, अनुदित का है, अनुदित को इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, पहले आपका अनु लिखते हैं, फिर आपका जो लास्ट में क्या उदित लिखते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्राणायाम की अगर हम बात करें, तो पहले आपका प्राण होता है, प्राण होता है भैया, प्राण होता है, फिर आपका आयाम होता है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ, पंचानन में भैया कौन सा समास है, पंचानन में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्युगु है, या फिर आपका कर्मधार है। 82 का बताएंगे भैया, पंचानन में आपका कौन सा समास है बताइएगा, तो इसमें भैया बहुव्रीहि आपका समास हो जाएगा। ठीक है, तीन तेरह करना इसका कौन सा अर्थ है, तीन तेरह करना बहुत ही आसान सा प्रश्न है भैया। ठीक है, तीन तेरह करना, लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर ठीक गए, तीन तेरह करना। ठीक है, तीन तेरह करना, इसमें बताएंगे आपका कौन सा जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीन तेरह करना। ठीक है, चलिए, तीन तेरह करना यानी कि आपका पृथकता की बात करना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तीन तेरह करना, 83 का आंसर नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। ठीक है, हंसुए के मतलब ये वाला हंसिया है। ठीक है,
हसिया जो होता है ना हसिया, तो हसिए के विवाह में खुरपे का गीत, इसमें कहावत का क्या अर्थ हो जाएगा, शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। 84 का आप लोग बताएंगे इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो भैया असंगत यानी कि व्यर्थ या बेकार बातें करना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा असंगत यानी कि जब बातें मेल नहीं खाती हूँ, ठीक है, कोई बात हो कहीं पर कुछ भी हो आप कोई भी बात कर दें तो उसी प्रकार से आपका हंसी के विवाह में खुरपे का गीत यानी कि 84 का आंसर नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 85 की देव्यर्पण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देव्यर्पण का आपका सही संधि विच्छेद क्या होगा, 85 का आपको बताना है इसका क्या आपका सही आंसर हो जाएगा 85 का। ठीक है, तो इसका जो सही आपका संधि विच्छेद होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देवी प्लस अर्पण इसका जो सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ, पुस्तकीय शब्द में आपका क्या प्रत्यय, ठीक है, पुस्तकीय शब्द में आपका क्या प्रत्यय, क्वेश्चन नंबर भी आपका 86 है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, प्रत्यय मैंने आपसे पहले ही कहा प्रत्यय कहाँ लगते हैं, बाद में लगते हैं यानी कि शब्द के अंत में लगते हैं, तो 86 का आपका कौन सा हो जाएगा, सीस में हो जाएगा भैया, क्या ई ए, क्या हो जाएगा ई ए, इसका सही हो जाएगा 86 का आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा बताइएगा, ई ए इसमें सही हो जाएगा पुस्तक में। ठीक है, चलिए तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य में स्वतंत्रता आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, गुणवाचक है, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसमें बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा 87 का आंसर। ठीक है, चलिए 87 स्वतंत्रता, ठीक है, तो 87 का आपका बी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते भैया क्वेश्चन नंबर 88, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये क्वेश्चन हमने आपसे कम्युनिटी टैब पर पूछा था और काफ़ी सारे लोगों ने इसका गलत आंसर दिया था, उम्मीद है कि अब आप लोग उसका सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब ये वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है, वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एडिशनल बोनस के साथ आपकी क्लास चल रही है, एक्स्ट्रा आपकी क्लास चल रही है, बाकी आपकी 6 मैराथन चल रही है, 6 मैराथन के अलावा आपकी क्लास चल रही है एक्स्ट्रा यानी कि बिल्कुल बोनस के साथ, तो इसका लाइव उठाइएगा और फटाफट से आंसर करिएगा, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा उत्तम पुरुष आपका होता है मुझे। ठीक है, बात करेंगे 89 विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें भैया से कहते हैं, आंसर नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी सारी मैराथन क्लास चल रही है आपकी, सुबह 10 बजे रीजनिंग की चलती है, दोपहर 12 बजे आपका हिंदी की मैराथन क्लास चलती है, अभी वाली आपकी हिंदी कैसी क्लास चली, एडिशनल चली यानी कि सरप्राइज टेस्ट चल रहा है अभी हिंदी का, इसलिए हम उसको फटाफट से करा रहे हैं। ठीक है, बाकी दोपहर 12 बजे आपका मैराथन होती है हिंदी की, उसको आप लीजिएगा, दोपहर 2 बजे विज्ञान, शाम को 3 बजे आपका कला वर्ग, शाम को 5:30 सामान्य ज्ञान, और रात के 8 बजे आपका गणित, इतनी सारी मैराथन क्लास हैं, सारी की सारी मैराथन क्लास आपकी कंप्लीटली फ्री हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है भैया, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई नई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई नई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या फिर समस्त धातु, क्वेश्चन नंबर 90 का आपका क्या आंसर हो जाएगा आपको बताना है, तो इसका सी हो जाएगा साधित सकर्मक धातु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है, प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है, रसखान जी की, नरहरिदास जी की, आलम जी की या फिर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, तो 91 का आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रसखान जी की आपकी जो है कृति काव्यकृति कौन सी, प्रेम वाटिका, तो 91 का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा रसखान जी। 92 है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, ठीक है, सखी, भ्रमर, रूपसी या फिर आपका भिक्षुतु, ये वाला क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं। ठीक है, तो अपन 92 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा रूपसी। ठीक है, बाकी सखी है, भ्रमर है, भिक्षु आपके अली शब्द के अनेकार्थक शब्द है, उरुपसी आपका नहीं है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत पहले हम लोग करा चुके हैं मॉक टेस्ट वगैरह में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप सभी मॉक टेस्ट और मैराथन क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा। चलिए, ता था दा धा सा आदि का उच्चारण क्या हो जाएगा, ता था दा धा सा इसका उच्चारण क्या होता है आपको बताना है, तो 93 का कौन सा हो जाएगा बताइएगा, दंते इसका जो उच्चारण स्थान होता है, तो आपसे कई बार सिर्फ ता था पूछ लेगा, पता रहा कई बार सिर्फ सा पूछ लिया, तो इन सभी का जो उच्चारण स्थान है आपका दंते हो जाएगा, आपको इसको याद कर लेना है। 94 बताइएगा, निम्नांकित में से कौन सा आपका शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि हमेशा हमेशा कैसे आपका जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, कौन सा बताइएगा 94 का कौन सा, बहुत ही सिंपल सा भैया, नदी, नदी, ठीक है, नदी हमेशा स्त्रीलिंग में आता है, ध्यान रखिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, शब्द प्लस ऋषि इससे आपकी क्या संधि बन जाएगी, ठीक है, शब्द प्लस ऋषि इससे बनी संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि, एड़ संधि, व्यंजन संधि या फिर आपको गुड़ संधि, फटाफट से बताएं, क्विक रिवीजन चल रहा, टाइम नहीं लेंगे भैया, टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से कमेंट लगातार करते रहिएगा, मैराथन क्लास चल रही है आपकी सारी की सारी, उनको लीजिएगा, और ये स्पेशल क्लास बीच बीच में चलती रहेंगी, ठीक है, सरप्राइज टेस्ट के रूप में बीच बीच में आपकी क्लास चलती रहेंगी, उनको भी आपको लेना, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा गुड़ संधि। बात करें क्वेश्चन नंबर 96 के, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में किसको पत्र हम लोग लिखते हैं, अगर बाढ़ आ जाए कहीं पर तो बाढ़ पीड़ित जो सहायता मांगने के संबंध में लिखते हैं किसको पत्र लिखते हैं, लेखाधिकारी को, जिलाधिकारी को, कुलपति को या फिर भैया आचार्य को, ठीक है, चलिए
तो 96 भी हो जाएगा डीएम यानी कि जिला अधिकारी को, ठीक है। 97 भैया ठेले पर हिमालय, आपने काफ़ी कहानी पढ़ी होगी ठेले पर हिमालय, किस विधायक की रचना आपको पता होगा, ठेले पर हिमालय निबंध है या फिर कहानी है फिर उपन्यास है फिर आपका यात्रा व्रत, तो 97 का ए हो जाएगा आपका निबंध है भैया ठेले पर हिमालय, ठीक है। 98 इनमें से कौन सा कवि अष्ट छाप का कवि नहीं है, सूरदास जी, कुंभनदास जी, ठीक है, नंददास जी या फिर आपका रैदास, रैदास जी, ठीक है। तो 98 आपको बताना है, 98 तो कौन सा हो जाएगा, रैदास इसका सही हो जाएगा, अष्ट छाप के जो कवि नहीं है कौन से, रैदास जी। बात करेंगे 98 की, किस वाक्य में अपादान कारक है, किस वाक्य में अपादान कारक है, राम ने रावण को मारा, ठीक है, तीर मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता है, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो, तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि आपका जो 99 का ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न हमारा 100, निम्न में से अशुद्ध बर्तनी कौन सी आपको बताना है, आंगन, मुश्किल, 25 या फिर इश्रिय। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और आप फटाफट बताएंगे, 25 मिनट में हमने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से 25 मिनट में 50 क्वेश्चन कराए हैं, सॉरी 25 मिनट में 50 क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए कराए हैं, अब आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, ठीक है। तो ये सरप्राइज टेस्ट था एक आपके लिए जो कि हमने फटाफट से किया है, बाकी आपका मैराथन क्लास चलती है तो उसको आप जरूर लीजिएगा, 12 बजे आपकी हिंदी की मैराथन क्लास चल रही है इस चैनल पर, और सारी मैराथन क्लास लीजिएगा तो इसमें आपका 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया। आंगन जो आपका ठीक है, बाकी आपके गलत लिखे गए हैं, ठीक है, तो आंगन आपका जो निम्न, सॉरी अशुद्ध बर्तनी यानी कि आंगन गलत लिखा, बाकी 25 मुश्किल और इसलिए आपके ठीक है, तो 100 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आंगन को लिखते कैसे ये भी समझ लीजिए, आंगन को इस प्रकार से लिखते हैं, ये आपका शुद्ध रूप है, ठीक है, आंगन को लिखने का। बाकी इतनी सारी मैराथन क्लास है, सबकी सब मैराथन क्लास देखेंगे, ठीक है, और प्लीज़ चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।